हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फेनोरोगैम्स विथआउट ओवरी, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा फेनोरोगैम है जो कि ओवरीज के बगैर होता है। यार, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फेनोरोगैम्स क्या होते हैं। तो फेनोरोगैम्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास क्या हो, जिनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। क्या? वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिनके पास भी वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उनको अपन क्या बोलेंगे? फेनोरोगैम्स। अच्छा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वेल डिफ्रेंशिएटेड किसमें किसमें होता है? हमारे पास दो हैं, दो चीज़ों में होता है। क्या क्या? एक तो आपकी हो गई एंजियोस्पर्म, एक आपका क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म। तो एक तो एंजियोस्पर्म में होता है, दूसरा किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में। ठीक, लेकिन हमसे पूछ रहा है किसमें विथ आउट ओवरी किसमें होता है। तो यार, इसमें किसमें होगा? इसमें तो होगा ओवरीज के साथ, विथ ओवरी। और इसमें कैसे होगा? इसमें होगा विथआउट ओवरी। ठीक है, तो अगर ओवरी के साथ पूछेगा एंजियोस्पर्म में, तो अपन क्या बोलेंगे कि ओवरी के साथ ऐसा कौन सा है जो फेनोरोगैम है? तो आप बोलोगे एंजियोस्पर्म। और पूछेगा ओवरी के बगैर कौन सा फेनोरोगैम है, तो आप क्या बोलोगे? जिम्नोस्पर्म। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है? एंजियोस्पर्म। नहीं, इसमें तो ओवरी के साथ होता है, हमसे तो ओवरी के बगैर पूछा है। दूसरा टेरिडोफाइट्स, इनमें तो डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं होता, तो ये होगा ही नहीं। तीसरा क्या है? जिम्नोस्पर्म। यस, दिस इज द आंसर। ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। थैंक यू।